तो हेलो एवरीवन, आज एग्ज़ाम था बच्चों का, डूसू का, DSEU का एग्ज़ाम था आज। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं अमित, इनका भी आज एग्ज़ाम था, इनकी आज फर्स्ट शिफ्ट थी। तो ये आज मैं इनका रिव्यू ले रहा हूँ कि भाई कैसा एग्ज़ाम रहा, एग्ज़ाम में क्या क्या आया, क्या एग्ज़ाम मुश्किल था कि नहीं था, तो ये बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसा रहा। ठीक है, चलिए बताओ कैसा रहा पेपर। पेपर बहुत अच्छा रहा। GK आई थी, करंट अफेयर्स MTS के मुकाबले कम थे, बट इसमें मतलब हिस्ट्री जीके में जो करंट अफेयर्स आए थे जैसे MTS में आते वैसे नहीं थे क्या? नहीं, क्या फिर जीके में क्या था, इसमें हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पूछा गया था। कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन याद हो? ऋग्वेदा से क्वेश्चन आया ठीक था, है, और और याद करो कोई हो तो। गौतम बुद्ध के ऊपर एक क्वेश्चन आया ठीक था, है, और मैथ आई थी मैथ में जी। क्या आया था? मैथ में सिंपल इंटरेस्ट, मेंस्ट्रेशन, एडवांस मैथ भी थी इसमें थोड़ा, ठीक है। और इंग्लिश आई थी। इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम, स्पॉटिंग एरर्स वगैरह आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स। कैसा रहा, मतलब जैसे अभी हमारा ये जो एग्जाम था, यही जो आपका एग्जाम था ये मार्च में भी हुआ था, हाँ जी, तो ये वही पेपर है ना जो कैंसिल हो गया था? हाँ, ये पेपर कैंसिल हो गया था, बट पहले के मुकाबले ये जो पेपर था पहले तो आसान आया था, पर इस बार बहुत हार्ड आया था पेपर। बहुत हार्ड था पेपर ये वाला। हाँ अच्छा, क्यों बच्चे कह रहे थे बाहर, हाँ क्या बोल रहे थे? बच्चे भी कहने, मेरा एक्सपीरियंस लो तो हार्ड हार्ड था। था। मैंने और भी बच्चों से बात करी थी तो वो भी कह रहे थे कि पहले से हार्ड है, पहले तो बहुत आसान दे रखा था। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या इंग्लिश में क्या पूछा गया था, कोई वर्ड वर्ड याद हो कुछ? वर्ड जैसे एंडमेंट ठीक है, और अबेंडेंट कह रहे हो क्या? क्या हाँ कह रहे हो वर्ड, सॉरी, कौन अवेंडेंट सा? और म्यूज। अच्छा, ठीक है। जब हमने पढ़ा था उसमें से ही आया था, इंग्लिश के जो वर्ड थे कुछ इसी में से आए थे। हमने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने इसको बस प्रीवियस ईयर ही कराया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर और किरण की बुक जो आती है प्रीवियस ईयर की, उसमें से ही कराया था। अच्छा, तो तुम्हारा पेपर क्या क्लियर है, मतलब हाँ, मेरा पेपर तो क्लियर है। क्लियर है? हाँ, अच्छा, कितने अटेम्प्ट करे तुमने? 100 100 क्वेश्चन थे, कितने अटेम्प्ट करे तुमने? मैंने 85 के, 85 कर दिया अटेम्प्ट, जिसमें से हाँ कितने सही हो सकते हैं, तुम्हें कितने लगते हैं? मुझे 80 का पूरा चांस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा रहा फिर तो ये। और कुछ बताना चाहोगे जिनका इवनिंग में पेपर? अच्छा, रीजनिंग का ही बताओ थोड़ा सा, रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग भी टफ थी पहले से, बट रीजनिंग में क्वेश्चन थोड़े टाइम लेने वाले थे उसमें। अच्छा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे मतलब। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर अगर ये पेपर इनका क्लियर हो जाएगा तो ये Tier 2 के लिए तैयारी करेंगे, जो कि DSU के एग्जाम में Tier 2 में आपका लेटर राइटिंग और सारा डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा वो। ठीक है, चलो ठीक है फिर।